हुसैन से मोहब्बत हो तो फिर भी ये कदम चल के आते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हुसैन की मोहब्बत में जागते हैं। कई लोग हैं जो पूरी पूरी रात फिल्में भी देखते हैं, वो भी जागते हैं। और किसी ने कहा कि मौलाना इतना अच्छा सीरियल है, पूरा हफ्ता इंतजार रहता अगली किस्त आएगी कब। तो भाई इंतजार तो दोनों है, एक इमाम का इंतजार कर रहा है, एक ड्रामे का इंतजार कर रहा है। चीजें तो सेम सेम है। मोहब्बत एक जज्बे का नाम है, उसके दिल में अमीर शाम की मोहब्बत है, तेरे दिल में अली की मोहब्बत है, उसके दिल में हिंदा की मोहब्बत है, तेरे दिल में दुख्तर रसूल की मोहब्बत है। कसूर मोहब्बत का नहीं है, मोहब्बत एक जज्बे का नाम है। ये फिल्म से हुई तो ये कदम फिल्म की तरफ जाएंगे, ये हुसैन से हुई तो कदम मजलिस की तरफ आएंगे। कसूर आंसुओं का नहीं है, आंसू एक जज्बे का नाम है। ये किसी की मोहब्बत में भी गिर सकता है, इसे बस जज्बा चाहिए। ये ईंधन है, जिस तरह आग है ना, आग का क्या कसूर, आग का काम जलाना है, लकड़ी को भी जलाएगी, इंसान को भी जलाएगी, कपड़े को भी जलाएगी, आग को क्या पता आलम है या क्या है। अब तुम आग को बोलोगे कि तुमने आलम को क्यों जलाया था, क्या तुम आग को बोलोगे कि तुमने सैयदा के दर को क्यों जलाया था। कसूर आग का नहीं है, आग को लाने वाले का है। जरा गौर करो, कसूर उस जवान का नहीं है जो कातिले जहरा से मोहब्बत कर रहा है। मोहब्बत जज्बा है, इस जज्बे को अली के साथ रखो या कातिल अली के साथ रखो, ये जज्बा है। सवाल यह है, ये मोहब्बत डाल कौन रहा है, इस मोहब्बत को इस्तेमाल कर कौन रहा है। तभी फरमा, ए जवान अपने जज्बात को ऐसी जगह पे इस्तेमाल करना जिसके लिए ये जज्बा बना है। ये मोहब्बत बनी ही अली के लिए है, गैर अली के लिए नहीं बनी। ये माथा बना ही उसकी दरबार में झुकने के लिए है, ये हाथ बने ही उसकी दरबार में उठने के लिए है, ये मिंबर बना ही अली के लिए है। जब इस मिंबर पर कोई गैर अली आकर बैठता है, चौथे इमाम क्या फरमाते, मिंबर नहीं है, लकड़ियों का ढेर है। तो कसूर जज्बे का नहीं है,